जीएसटी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड यूनिवर्सिटी हो राजस्थान जयपुर के सिलेबस में इंक्लूड प्लांट सिलेजिनेला के अंदर मैंने जोमीटो पाई फेज के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है द स्कोर इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ जोमीटो पाइव। जोमीटो पाइव का जो इकाई संरचना है वो इकाई संरचना स्कोर के नाम से जानी जाती है। हियर द सिलेजिनेला बिलोंग्स टू फिटनेस स्कोरस कैटेगरी ऑफ द पेडोफाइट्स। इट मीन देयर इज टू टाइप ऑफ स्कोर, वन इज ए स्मॉल नोन ए माइक्रोस्कोर, सेकेंड इज लार्ज नोन एज ए मेगा स्कोर। इसमें दो प्रकार के स्कोर बनते हैं, एक स्कोर छोटा होता है जो माइक्रोस्कोर के नाम से जाना जाता है, दूसरा स्कोर बड़े होते हैं जो मेगा स्कोर के नाम से जाते हैं। माइक्रोस्कोर एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे माइक्रोस्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, दूसरा प्रकार की संरचना जिसे मेगा स्कोर इंजन के नाम से जानते हैं। ये माइक्रोस्कोर इंजन और मेगा स्कोर इंजन दोनों के दोनों जो विशेष प्रकार की पत्ती होती है जो फर्टाइल लीफ के नाम से जानी जाती है माइक्रोस्पोरोफिल, एज वेल एज इसमें डेवलप ऑन मेगा स्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर बनती है, ये मेगा स्पोरोफिल के ऊपर बनती है। फर्स्ट इसके अंदर बनने वाला स्ट्रक्चर जिसे आप माइक्रोस्पोर कहेंगे, माइक्रोस्पोर से यहाँ पर बनने वाला जो गैमेटोफाइट होगा वो माइक्रो और मेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाएगा, और मेगास्पोर से बनने वाला गैमेटोफाइट जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों की दोनों देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट के अंदर सबसे पहले वी कैन हैविंग द मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अंदर सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट के बारे में जानेंगे। अभी तक सामान्यतया जो गैमेटोफाइट बनता था वो स्पोर के जनरेशन के पश्चात एक्सोस्पोरिक बनता था। यहाँ ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर गैमेटोफाइट एंडोस्पोरिक बनेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये रिव्यूड है, ये माइक्रोस्पोर है। इसके अंदर जो बनने वाला स्पोर है वो स्पोर एक स्मॉलर स्मॉल संरचना के रूप में पाई जाने वाली संरचना है। उसके ऊपर जो बाहरी पिट्ठी होती है
अब इसका अगर आप सेक्शन व्यू देखेंगे तो इसी एक्सोस्पोरियम जो कि रफ है, ठीक है, ये एंडोस्पोरियम जो कि स्मूथ है, इसके अंदर धीरे धीरे सिंगल न्यूक्लियस एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज जनरली टेट्राहेड्रल इन शेप। ये टेट्राहेड्रल शेप के अंदर पाई जाने वाली संरचना है जो 0.0152 0.05 mm के अंदर पाई जाती है। बहुत छोटी संरचना होती है, दो स्पोर बाहर होती है एंडोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम और ये टेट्राहेड्रल इसके अंदर रिज यानी कि खांच पाई जाती है। ये विशेष प्रकार की इसके अंदर ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे एन टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंड नो क्लोरोप्लास्ट। ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये विशेष प्रकार की संरचना जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब जितना भी आपके जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट इसके अंदर बनेगा विद इन स्पोर, इट मींस वेरी रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर के अंदर, ये सेलुलर के अंदर स्पोर का जर्मिनेशन साधारणतः नहीं होता है और ये स्पोर इन सीटू जर्मिनेट होता है। गैमेटोफाइट इन सीटू जर्मिनेशन यानी कि जहाँ बनता है विद स्पोरेंजिया इसका जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे एक विशेष स्टेप होती है, उसके अंदर आपको ये 6, 6, 12, 13 सेल स्टेज यहाँ आप देखोगे, ये जो स्पोर होता है ये 13 सेल स्टेज तक क्या है स्पोरेंजिया के अंदर ही ये 13 सेल अवस्था तक जर्मिनेट हो जाता है। 13 सेल अवस्था के बाद ये क्या है स्पोरेंजिया से लिबरेट होता है और लिबरेट होने के पश्चात उस माइक्रोस्पोर के अंदर ही आपके एंथ्रोजोइड जिसे आप मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट के नाम से जानते हैं वो बनेगा और मेल गैमेट बनने के पश्चात स्पोर क्या है आपके फटता है, जर्मिनेशन ऑफ मेल जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जैसा कि मैंने बताया माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन सबसे पहले ट्रांसफर डिवीजन के थ्रू होता है। सबसे पहला डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन होता है लोअर सेल नॉन एज प्रोथेलियल सेल, अपर सेल इज नॉन एज एंथेलियल सेल। ओके, दिस इज अपर सेल, ये
एंटीटल सेल प्रोडक्ट है। इस प्रोसीजर्स में सेल आगे की तरफ नो डिवाइड, आगे की तरफ इसका डिवीजन नहीं होता है, प्रोथेलस से बिकता सही है, एक कोशिका वाला प्रोथेलस है, पूरा का पूरा डिवीजन ऊपर वाली कोशिका के अंदर होता है। अगला डिवीजन प्रोथेलस सेल का लंबवत होता है, ये दो कोशिकाएं आगे की तरफ बन जाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट डिवीजन इसका इस प्रकार से फिर ट्रांसफर डिवीजन होता है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट डिवीजन होता है उस डिवीजन के बारे में अगर आप देखेंगे कि ये दो कोशिका है 2+1, 4+1, ठीक है, देन अगली वाली कोशिका के अंदर 2+2+1 कर लेते हैं, 1 या 2+2+1 कोशिका के रूप में बन जाती है। अब यहाँ पर ये जो कोशिकाएं होती हैं ये जैकेट सेल के नाम से जानी जाती है, और जो ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिका के अंदर प्राइमरी एंडोगोनियल सेल, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के नाम से जानी जाती है। नाउ दिस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स आगे की तरफ 8+2+1 8 और 2 10 और 1 11 ये इस अवस्था तक पहुंचता है। ये आपके 2, ये आपका 1, और ये कोशिकाएं आपके 8 कोशिका के अंदर 1, 2, 3 ये 8+2+1 के रूप में पहुंच जाती है। इसके पश्चात अगली अवस्था 8+2+2+1 इट मीन्स 13 सेल अवस्था। तो ये आपका 1, ये आपके 2 और ये आपकी 2 और ये आपकी 8। इस प्रकार की ये कोशिका है पूरी 8+2+3। नाउ दिस 13 सेल स्टेज जब 13 सेल स्टेज बन जाती है दिस डेवलप्ड विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है, ये 13 सेल अवस्था तक ये पूरे पूरे गतिविधि माइक्रो इसके अंदर पाई जाती है। तो ये 8+4+1 नाउ दिस 2 सेल्स दे आर नोन एज अल्टीमेटली एंड्रोसाइट। ये जो होता है ये एंड्रोसाइट कोशिकाएं कहलाती हैं। नाउ अप टू दिस 13 सेल स्टेज दिस माइक्रोस्पोर लिबरेट, दिस माइक्रोस्पोर लिबरेट इन 13 सेल स्टेज 8+4+1 दिस इज जैकेट, दिस इज एंडोसाइट, दिस इज प्रोथेलियल सेल। ये आप जो 8 जैकेट कोशिका है 4 एंडोसाइट और ये आपके 1 प्रोथेलियल सेल। दिस एंड्रोसाइट अंडरगो फर्दर डिवीजन एंड फॉर्म एंथेलियल
mother cell and empty the mother cell, then the metamorphose in enthrozoids. The enthrozoids is bifurcated structure. Enthrozoid ये एक bifurcated structure होता है. ये enthrozoids bifurcated structure होता है. ये many in number काफी संख्या के अंदर बनता है. और ये आपके इस प्रकार जो bifurcated रिज होती है, इस रिज से ये इसका डाइसेंस होता है. और डाइसेंस होने के पश्चात ये सारे के सारे रिग्रेट होकर बाहर आ जाते हैं. कुछ वैज्ञानिक इनकी संख्या को, कुछ वैज्ञानिक इस बनने वाली जो एंथीरिया माइक्रो स्पोरेंथीरिया के अंदर जो बनने वाले मेल गैमेटोफाइट के संरचना के बारे में एक दो चार अलग अलग बताते हैं कि एक पूरी पूरी सेंट्रल स्ट्रक्चर से, कुछ कहते हैं दो से, कुछ कहते हैं चार से. तो अलग अलग स्पीसी के अंदर अलग अलग प्रकार का जाएगा. किसी के अंदर आपके दो बनती है, किसी में चार बनती है, और चार से पूरे पूरे बहुत सारे मेनी एंथ्रोपोड्स का निर्माण होता है. दिस इज ऑल अबाउट द मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ चिंपैंजी. अलग अलग मेल गैमेटोफाइट का अक्सर पूरा क्वेश्चन आता है, इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ